शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं आपको बुलाना भूल गया, लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए। क्या आपने खून होते हुए देखा और इसे करते हुए देखा? जी हाँ, मौत की मंडी में तुमने कल्लू की जान कितने में बेची है? हीरा मिल गया? हाँ। कहाँ है? मेरे पास। तुम कहाँ? मैं हीरे के पास। क्या बक रही हो? आज से मेरी नौकरी खत्म, मुझे हिस्सा चाहिए। 50-50। जरा पीछे मुड़ के तो देखो, तुम्हारे जो दो बाप खड़े हैं तुम्हें 50-50 करने के लिए। माँ, देखो माँ मैं क्या लाई हूँ। हमारी गरीबी की रातें अब खत्म हो गई माँ, जरा उठ कर देखो तो सही, दौलत का सूरज कैसा होता है। माँ मेरी तो रातें भी खत्म हो गए, दिन भी खत्म हो गए। मीना, जिसे तुम अपनी छोटी बहन समझती हो वो मेरी बेटी जरूर है, तुम्हारी बहन नहीं है। क्या कह रही हो माँ? बहुत साल पहले तुझे कहीं से कोई उठाकर लाया था और मेरे पास छोड़ गया था। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई माँ? कैसे बताती बेटी, वो कसाई मुझे जान की धमकी दे गया था, लेकिन अब मुझे डर कैसा। वो बोलो माँ, Yeah.
रावत ये जाम मैं तुम्हारी कामयाबी और अपनी खुशी के लिए पी रहा हूं। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं रावत। कालिया के पास से वो हीरा निकाल लाना उतना ही मुश्किल था जितना किसी शेर के जबड़ों में हाथ डालकर गोश्त का टुकड़ा निकाल लेना। अब तो मैं इस कुर्सी के काबिल हो गया हूं शाहनी सेठ। नहीं अभी नहीं। शानी सेठ के गिलास में जो हीरा चमक रहा है वो उतना ही नकली है जितनी कि तुम्हारी कामयाबी नकली है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं शानी सेठ, शराब में नहलाने से नकली हीरे असली नहीं हो जाते, जिस तरह गंगा में नहाने से गधे इंसान नहीं हो जाते। असली हीरा हीरा। इस हीरे को तो तुमने पहचान लिया सेठ, अब मेरी तरफ भी जरा गौर से देखो और पहचानने की कोशिश करो। मैं वही कल्लू हूं जिसे तुमने कालिया बनाया। मैंने सुना था कि इंसानों की तकदीरें आसमानों पर बैठा भगवान लिखा करता है, लेकिन मेरी तकदीर तुमने लिखी है सेठ, मेरे भाई के हाथ कलम करके। अब इसके बाद न तुम अपने हाथ ज्यादा चलाने की कोशिश करोगे और ना ही उन्हें ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे। बढ़ाओगे तो हर वक्त हर जगह मैं उन्हें काट के रख दूंगा, कुचल के रख दूंगा। कुछ देर के बाद ये होश में आ जाएंगे, मैं फिर देखने आऊंगा। तब तक इन्हें आप हर दो घंटे के बाद यह दवाइयां देते रहिएगा। थैंक यू डॉक्टर। क्या देख रहे हो काका? आज वो देख रहा हूं जो बरसों से आपकी आंखों में कभी नहीं देखा। खौफ भी है, उम्मीद भी है और प्यार भी है। जब बिटिया बीमार पड़ी थी तो आपने 3 दिन और 3 रातें इसी तरह कुर्सी पर बैठे बैठे गुजार दी। हां काका, रानी आज होती तो शायद इतनी बड़ी होती। न जाने अब वो कहां है, किस हाल में है। काका जी, इसका ख्याल रखना और 2-2 घंटे बाद दवाई पिलाते जी। अच्छा, तुम्हारी बीवी का क्या हाल है बिकू? अच्छी सर, अस्पताल से लौट आई है। गुड। हाँ
सतनाम। यस सर। तुम्हारी बेटी इम्तिहान में पास हो गई? वो तो पिछले साल ही पास हो गई थी, अब तो कॉलेज जाने लगी है। गुड। आज अपनी जेलर साहब को क्या हो गया सतनाम? आज पहली बार मैंने देखा उनकी आंखों में अंगारे नहीं है, आवाज में वो लोहा नहीं है। आज पहली बार उन्होंने हमें इंसान समझा है और खुद इंसानों की तरह बातें की। काका, काका। जी साहब। वो लड़की कहाँ है? जी वो तो चली गई। कहाँ? मालूम नहीं साहब। तुमने उसे जाने क्यों दिया? मैंने कहाँ जाने दिया साहब, मैं तो सिर्फ चाय बनाने के लिए ही गया था, वापस आया तो वो जा चुकी थी। मैं तो अपने आप को कोस रहा हूं कि मैं यहां से गया ही क्यों। सॉरी काका, तुम्हारा कोई दोष नहीं, वो अगर रहती भी तो कितने दिन रहती। अपनी बेटियां उम्र भर घर में नहीं रहती, एक न एक दिन चली जाती। और फिर उसका तो कोई रिश्ता भी नहीं था, न मुझसे न इस घर से। माँ जी सामान तैयार है। यही रख दो। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। बड़ी तैयारियां हो रही भाभी, कहाँ जा रही हो? मैं नहीं जा रही हूँ, तुम जा रहे हो। कहाँ? मुन्नी के पास। ये देखो उसकी चिट्ठियां, हर चिट्ठी में एक ही सवाल होता है, मेरे चाचू मुझसे मिलने कब आ रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं हर हफ्ते चला जाऊं उससे मिलने भाभी, लेकिन क्या करूं, मेरे पांव में एक चक्कर है। भैया जाने कब ये तुम्हारे चक्कर खत्म होंगे, जाने कब तुम आराम से मेरे पास रह सकोगे। बहुत जल्दी भाभी, बहुत जल्दी। दुनिया से मुझे कुछ हिसाब चुकाने, एक बार चुक गए उसके बाद आराम ही आराम। स्कूल छोड़ के तब मैं जा रही हूँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम जा रही हो ना, इसलिए रो रही हूँ। मत रो। जिंदगी के हर मोड़ पर इंसान के सामने दो रास्ते आते हैं, एक अच्छाई का एक बुराई का। मैं बुराई के रास्ते पर चल रही थी, मगर मरती हुई माँ को वचन दिया कि मैं वो रास्ता छोड़ दूंगी। इसलिए मदर, मैं अपनी बहन रीना की फीस तब दे सकती थी, अब नहीं दे सकती। अपना दिल छोटा ना करो बेटी, तुम उसके सामने बैठी हो जो गॉड का बेटा है, और गॉड उसकी मदद जरूर करता है जो अपनी मदद खुद करने का फैसला करते हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारे जाने से पहले वो तुम्हारी मदद के लिए कोई रहमत का फरिश्ता जरूर भेज देगा। गुड मॉर्निंग मदर। गुड मॉर्निंग। मुझे अपने गॉड पर पूरा यकीन है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो अपने ऊंचे आसमानी महल में बैठा हुआ अपने बंदों की दुआ इतनी जल्दी सुन लेगा। मैं समझा नहीं मदर। मैंने अभी अभी उसे आवाज दी, कहा फौरन एक रहमत का फरिश्ता भेज दो, और उसे भेज दिया। फरिश्ता? कहाँ है फरिश्ता? मेरे सामने खड़ा है। चाचू! चाचू! ए! ए! जिसकी एक मुस्कान पे हम जान लुटा सकते हैं उसकी आंखों में आंसू। वहां देखिए, वो भी रो रही है,
उसने अपनी स्कूल की फीस नहीं दी ना, इसलिए वो स्कूल छोड़कर जा रही है। अगर वो स्कूल छोड़कर चले गई तो हम बहुत रोएंगे चाचा, बस 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 बस, हम आपको रोने नहीं देंगे और हम आपको भी रोने नहीं देंगे। आपकी स्कूल की फीस दे दी गई है, अब आप मुन्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चाचा आप भी इधर किसी तो बस चलो 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 चलो। दीदी, आपने मेरी फीस दे दी? मैंने नहीं दी, इन्होंने दी है। आओ डीना। आप और हम फिर मिलेंगे और यहाँ मिलेंगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। आप मेरे साथ वो करेंगे जो आपने किया है, वो मुझे भी मालूम नहीं था। मैंने क्या किया है? आपने एक दान दिया है, आपको मालूम हो कि वो दान आकर मेरी झोली में गिरा है, उसे आप वापस लेना नहीं चाहेंगे? जी नहीं, मदर सुपीरियर ने आपकी सारी कहानी मुझे सुना दी है। आपकी कहानी और मेरी कहानी मिलती भी है और नहीं भी मिलती। हम दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे थे और आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां से आप वापस मुड़ सकती थी। मैं तो एक ऐसे मकाम पे पहुंच गया हूं जहां मेरी वापसी का कोई रास्ता नहीं। रास्ता तो मेरे लिए भी कोई नहीं था, लेकिन न जाने कहां से आप आ गए मेरी भटकी हुई खोई हुई जिंदगी को बचाने के लिए। आप गौर से देखेंगी तो आपको इसमें भी मेरी खुदगर्जी नजर आएगी। मैंने आपको नहीं, अपने आप को बचाया। मैं तो समझता था कि मेरा सब कुछ लुट गया है, लेकिन यहां आने के बाद मालूम हुआ कि सब कुछ लुट जाने के बाद भी कुछ बाकी बचा है, थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ी सी अच्छाई। अच्छा वो किसी के काम आ गई। मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूं, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे आदमी से मिल रही हूं। आज मेरी भी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई है जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान, बिल्कुल बेगाना हो गया था। आज बहुत मुद्दत, बहुत अरसे के बाद मैं अपने आप से मिल रहा हूं। वाह भाई वाह, किस अदा से आपने ग्लास दांतों में उठाया। अब एक काम मेरा भी कर दीजिए, उस कैबिन में मेरा ब्रीफकेस रखा है, इसमें मैंने आपके लिए एक तोहफा रखा है, जाइए उठा लीजिए। ये थे जागीर सिंह, हमारे डॉक्स के बेताज बादशाह। डॉक्स पर माल उतरता था हमारा और ले जाता था इनका बाप कालिया। और जो हाल डॉक्स का है वही हाल मड आइलैंड्स का भी है। बाहर के मुल्कों से सोना चलता हमारे लिए और पहुंच जाता है सीधा कालिया के पास, और ये मड आइलैंड वाले ये किनारे पर बैठ के मच्छियां पकड़ते हैं। ये लोग आज तक ये सब हुआ ठीक है, अगर फिर कभी हुआ तो तुम लोगों का भी वही हाल होगा जो इस वक्त जागीर सिंह का हुआ। हराम खोरों में इस तरफ आके फाड़ फाड़ के मत देखो, सोचो सोचो कि कालिया को किस तरह जेर किया जाए। वो आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता नहीं है, मिट्टी का बना हुआ एक पुतला है, तुम्हारी तरह मेरी तरह। और हर मिट्टी का बना हुआ पुतला तोड़ा जा सकता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी होती है। कालिया की कमजोरी तलाश करो, उसकी कमजोरी हमारी ताकत है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी भाभी है, और तुम इस तरह जाओगी भाभी के पास? तो किस तरह जाऊंगी? यह लिबास बिल्कुल नहीं चलेगा,
जो छिपाता कम है दिखाता ज्यादा। लो ये साड़ी पहनो। हाँ? मैं तैयार हूँ। लुट गए, बर्बाद हो गए, बेड़ा गर्क हो गया। क्यों, क्या हुआ? ये साड़ी पहनी आपने, मालूम होता कोई पगड़ी लपेट ली चारों तरफ। लाइए मैं बताता हूं साड़ी कैसे बांधी जाती है। नुमाइश पश्चिम की अदा है, शर्म हिंदुस्तान का गहना, और मेरी भाभी को इसे बहुत पसंद है। भाभी, भाभी वो आ गई। कौन आ गई? वही जिसके बारे में मैंने तुमसे कल। बाहर क्यों खड़ा रखा है, अंदर ले आओ उसे। हाँ, आ गई। अच्छा तो यही है वो जिसकी तारीफ सुनते सुनते हमारे कान पक गए। क्यों पसंद नहीं आई क्या? पसंद तो बाद में आएगी, पहले हम देख तो लें। इसने मुंह क्यों ढक रखा है? चेहरे पे कोई दाग वाग है क्या? जी नहीं तो। है ना चांद का टुकड़ा। तुझे सूरज की रोशनी में कुछ दिखाई नहीं देता, चांद को क्या देखेगा जो रात में निकलता है। सूरत तो ठीक है मगर सीरत का पता बाद में चलता है। अरे बहुत पढ़ी लिखी है ये भाभी, लोग तो BA MA पास होते ना। इसने तो MA TR IC सब कुछ किया हुआ है, मैट्रिक पास है ये। मैं इसकी डिग्री नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो जानना चाहती हूँ घर के काम में इसके हाथ चलते हैं या नहीं। हाथ? हाथ तो इसके खूब चलते हैं भाभी, और ऐसी सफाई से कि कुछ पूछो मत तुम। हाँ, तुम चुप रहो, जो कुछ पूछना है मैं खुद पूछ लूंगी। बुरा मत माना बहना, आदमी जब सोना खरीदने निकलता है तो सबसे पहले उसे अच्छी तरह परखता है। अब ये बताओ तुम्हें खाना बनाना आता है? खाना? अरे दुनिया का ऐसा कौन सा खाना है जो ये बनाना नहीं जानती। देसी खाना, अंग्रेजी खाना, चीनी खाना, रूसी खाना, 10 किस्म के तो ये पुलाव बनाती है, 20 किस्म की बिरयानी, और जो हमें पसंद है वो तो ये कमाल का बनाती है, ऑमलेट। तो चलो रसोई में, आज तुमसे पहले ऑमलेट बनवाते हैं। आओ। मुर्गा। ये रहे अंडे, फ्राइंग पैन, घी। अब बताओ ऑमलेट कितनी देर में बनाओगी? दो मिनट में। अच्छा अरे ये क्या किया तुमने? भाभी ये आज बेचारी बहुत घबराई हुई इसलिए भूल हो गई होगी, आज तक तो सीख जाएगी। बस इतना बता दो कि ये पास हो गई या फेल। पास। पास हो गई भाभी। अरे पास हो गई, पास हो गई, पास हो गई। अरे भाई क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी दुकान बंद कर रहे हैं? हम तो फूल लेने के लिए आए थे।
साहब फूल तो नाम का भी नहीं बचा, एक ग्राहक आया था सारी दुकान खरीद के ले गया। ऐसा कौन सा शौकीन पैदा हो गया है बंबई शहर में? एक ही तो शौकीन है साहब, कालिया। एक गुलदस्ता बना दीजिए बढ़िया सा। गुलदस्ता फूलों का बनता है साहब, और फूल अपने पास है नहीं। लेकिन ये सब फूल और वो बाहर ट्रक भरा पड़ा है फूलों से। ये सब फूल है तो साहब, लेकिन जा रहे हैं कालिया साहब के यहाँ। ये साहब कोई नया नया आया है बंबई में? नए तो आप मालूम हो रहे हैं साहब, जो कालिया साहब को नहीं जानते। कालिया साहब का नाम आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है। ठीक है, जरूर पहुंच जाएंगे। Could you give me your address, please? Yes, B10, Ben Nevis, Gordon Road. Okay, जरूर पहुंच जाएंगे। Can I help you, sir? आप चाहें भी तो मेरी मदद नहीं कर सकती। घर से निकला था एक छोटा सा गुलदस्ता खरीदने, लेकिन लगता है शहर के सारे फूल बिक चुके हैं और उन सबका खरीदार एक ही है, कालिया। जी हाँ, आप जानते हैं उन्हें? नहीं, जानता तो नहीं, लेकिन जानना जरूर चाहूंगा ये कालिया कौन है। कालिया जुर्म का बादशाह है, जिस तरह ये शतरंज का बादशाह है। शतरंज में प्यादे मारे जाते हैं, घोड़े मारे जाते हैं, हाथी मारे जाते हैं, मगर बादशाह आखिर तक सलामत रहता है। सर, एक कालिया मेरी जेल में आया था, सोचता हूं कहीं ये कालिया वही तो नहीं। फिर ख्याल आता है कि वो प्यादा इतनी देर में बादशाह कैसे बन गया। तो खुद ही चलकर देख लीजिए ना, कालिया आज पार्टी दे रहा है और उसकी जरूरत देखिए कि उसने मुझे भी कार्ड भेजा है और लिखा है कि अकेले मत आइएगा, अपने साथ पूरी पलटन लेकर आइएगा। मिलना चाहते थे। मुबारक हो बेटे। देख भी लिया और पहचान भी लिया। उसने जेल की कोठरी से इस महल तक का फासला बहुत जल्दी तय कर लिया है। मैंने कुछ और भी देखा है एसपी साहब, जो शायद आपने नहीं देखा। आज की दुनिया में जुर्म कितना कामयाब है और कानून कितना बेबस। आपको बुलाना भूल गया, लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए। कभी मैं आपका मेहमान था, आज आप मेरे मेहमान। व्हिस्की। थैंक यू। जेलर साहब, आपको अफसोस तो जरूर होगा मैं आपके यहां ज्यादा दिन न रह सका, और आप मेरी वो खातिर न कर सके जो आप करना चाहते थे। इसके मौके और भी मिलेंगे, लेकिन इस वक्त हम उससे मिलना चाहते हैं जिसके लिए आप सारे शहर के फूल खरीद लाए हैं और हम एक फूल न खरीद सके किसी के लिए। Thank you very much. शालिनी, जेलर साहब ये शालिनी है जिससे मेरी शादी होने वाली है। मैं इनसे पहले भी मिल चुका हूं, अब ये होश में नहीं थी। उसके बाद आज मुलाकात हुई है, लेकिन मालूम होता है कि ये होश में अब भी नहीं है। होश में तो आप नहीं है जेलर साहब, वरना ऐसे मौके पर ऐसी बात ना करते। काश मैं कह सकता बेटी कि जब तक दुनिया में चांद और सूरज हैं, तुम्हारी मांग में सुहाग के सितारे जगमगाते रहें। लेकिन क्या करूं, मैं वो देख सकता हूं जो ये नहीं देख सकती, जो तुम भी नहीं देख सकते। लोग जब कामयाबी के घोड़े पर सवार सोने की बनी हुई सड़क पर दौड़ते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि ये सड़क जेल की काल कोठरी में खत्म होती है या फांसी के तख्ते पर। तो एक बात हमारी भी सुन लीजिए जेलर साहब, क्या नजा की तकलीफों में मजा
जब मौत न आए जवानी में, क्या लुत्फ जनाजा उठने का हर गाम पे जब मातम न हुआ। यहाँ मैं आया तो था कालिया से मिलने, मैं लगता है वो घर पे नहीं। जी हाँ, वो बाहर गए हैं काम से। चलिए, कालिया ना मिला ना सही, आपसे तो मुलाकात हो गई। पहले जब मैं आपसे मिला था तो क्या हालत थी आपकी, और आज क्या ठाट है आपके। आप लोग भी कहां से कहां पहुंच गए। हम जहां भी पहुंचे हैं आपकी मेहरबानी से नहीं, कल्लू की मेहनत से पहुंचे। गलत, मेहनत से इंसान सिर्फ झोपड़ियां बना सकता है, ऐसे आलिशान महल नहीं खड़े कर सकता। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं खुद एक ऐसे महल में रहता हूं। दौलत का पेड़ जब भी उगता है, पाप की जमीन में ही उगता है। नहीं, मेरा देवर मेरे घर में पाप की कमाई नहीं ला सकता। लगता है देवर भाभी को झूठी कहानियां सुनाता रहता है और भाभी मानती रहती। जाता तो था जेल में सजा भुगतने के लिए, और आपसे कहता था यूरोप जा रहा हूं, अमेरिका जा रहा हूं। अगर मेरी बातों पे आपको भरोसा नहीं तो किसी भी जेल या किसी भी थाने में जाके पूछ लीजिए, वहां के रजिस्टरों में उसकी जिंदगी की पूरी धर्मकथा लिखी हुई। कहां जा रही भाभी? भाभी जा कहां रही है? कहीं भी, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ, क्या किया क्या मैंने? तुमने तो वो किया है भैया जो बेगानों ने भी नहीं किया। उन्होंने तो सिर्फ हाथ काटे थे मेरे पति के, तुमने तो दिल पे ही छुरी चलाई। तुम कहना क्या चाहती भाभी? तुमने कहने के लिए छोड़ा ही क्या है? मेरी जिंदगी का उजाला तो चला ही गया उनके साथ, लेकिन तुम्हारे विश्वास का दिया फिर भी जलता रहा। आज वो भी बुझ गया। मैं तुम्हारे भैया को राम समझती थी और तुम्हें लक्ष्मण। मुझे क्या मालूम था कि मेरा लक्ष्मण कब का रावण बन चुका है। भाभी मुझे जाने दो, तुम्हें तुम्हारे सोने की लंका मुबारक हो। भाभी कौन आया था? भाभी, भाभी कौन आया था यहाँ जो तुम्हें झूठी कहानियां सुना गया है? वो कहानी झूठी है तो खाओ मेरी कसम और बताओ सच क्या है। कहो ये सारी दौलत तुमने पाप से नहीं मेहनत से कमाई है। मेहनत से आदमी सिर्फ झोपड़े बना सकता है भाभी, ऐसे शानदार महल नहीं खड़े कर सकता। बस करो भैया बस, तुम अपने भैया की भाषा भी भूल गए हो, उनके खूनियों की भाषा बोलने लगे हो। अब मैं इस नर्क में एक मिनट और नहीं रुक सकती। ये नर्क है तो वो स्वर्ग था क्या जिसे हम छोड़कर यहाँ चले आए, जहाँ एक बूढ़ी मशीन की मरम्मत के चंद रुपए बचाने के लिए दो मजबूत हाथ और एक जवान जिंदगी बीच में ही काटे जा सकते हैं, जहाँ 500 रुपए एक शाम के चंद लम्हों को हसीन बनाने के लिए खर्च किए जा सकते हैं, मगर एक जान एक खानदान को बचाने के लिए फैलाई हुई झोली में नहीं डाले जा सकते। पाप मेरे खून में नहीं है भाभी, और ना ही मेरी मां के दूध में था। पाप का जहर तो जुर्म की सुइयां चुबो चुबो कर मेरी रगों में भरा गया है, और जब तक ये सारा जहर मैं अपने दुश्मनों के मुंह पे नहीं थूक देता, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। तुम नहीं सोच सकते, मैं सोच सकती हूं, इसलिए मैं जा रही हूं। भाभी तुमने घर के बाहर कदम रखा तो समझ लो मेरी लाश देखोगी। ये तुमने कैसी सौगंध डाल दी, मैं घर के बाहर नहीं जा सकती, घर के अंदर रह नहीं सकती तुम जैसे पापी के साथ। पापी पाप के रास्ते से पलट जाए तो भी नहीं, समझ लो भाभी पापी पाप के रास्ते से पलट गया, आज के बाद वो नहीं होगा जब तक होता रहे। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना भाभी? कालिया को छोड़कर कहीं भी जा सकती थी, लेकिन अपने कल्लू को छोड़कर जाऊंगी भी तो कहां जाऊंगी। यस जानी सर। कौन? कालिया। हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कब और कहाँ? जब और जहाँ तुम चाहते हो कालिया।
इस वक्त 10 बजे मड आइलैंड के टूटे हुए गिरजे के सामने 11 बजे मिल सकते हो? क्यों नहीं, पहले तुम आ गए लेकिन अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन रखोगे। ठीक है। रावत, मेरी गाड़ी निकालो। अभी लाता हूं शानी सेठ। लेकिन आज गाड़ी तुम नहीं चलाओगे, हम खुद चलाएंगे, क्योंकि जहां हमें आज जाना है अकेले जाना है। आज मैं तुम्हारे साथ वही कर रहा हूं शानी सेठ, जो तुमने रमानी सेठ के साथ किया था। अपनी दुनिया का दस्तूर है, यहां ना कुर्सी दी जाती है न ली जाती है, सिर्फ छीनी जाती है। ये क्या, आप मुझे नहीं ले जा रहे हैं शानी सेठ, शायद इस साथी की जरूरत पड़ गई। वेरी गुड, आई लाइक दैट। तुम्हारी हरकत देखकर हमारा इरादा बदल गया, अब तुम और तुम्हारा साथी दोनों मेरे साथ जाएंगे। कम ड्राइव माय कार, कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम बॉय। बात है रावत, तुम बार बार घड़ी क्यों देखते हो? जी, ड्राइवर की नजर सड़क पर रहनी चाहिए। सॉरी सर। मैं ये भी देख रहा हूं कि गाड़ी एयर कंडीशन है और तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं, बात क्या है रावत? नहीं कोई बात नहीं। रावत गाड़ी रोको, बॉनेट खोलो रावत। तुम हमें मारना चाहते थे बरखुरदार, तो कोई नई चाल सोची होती। जो खेल तुमने खेला है, इस खेल के तो हम पुराने उस्ताद हैं। शानी सेठ, मेरे और अपने दरमियान एक खून की लकीर खींची थी तुमने, जो या तो तुम्हारी मौत पे खत्म होती थी या मेरी मौत पे खत्म होती। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैंने वो खून की लकीर को खुद मिटा दिया। तुम्हारी मौत की घड़ी तो बहुत नजदीक आ चुकी थी, दुआएं दोस्त
हाथ को जिसने घड़ी की सुई को पीछे मोड़ दिया। मगर यह मत समझना कि मैं तुमसे हार गया हूं। आज मैं तुम्हारे सामने हथियार डाल नहीं रहा हूं। ठीक। मगर सानी सेठ, डरना उस दिन से जिस दिन तुम मुझे हथियार उठाने के लिए मजबूर करोगे। अदालत खून की सारी कहानी सुन चुकी है और दोनों तरफ की शहादतें भी। मुल्ज़िम ने खुद मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। मक्तूल की लाश मिली तो कहां मिली? कातिल के बाजुओं में। चाकू पे जो निशान थे वो किसके थे? मुल्ज़िम की उंगलियों के। खून के धब्बे मिले तो कहां मिले? मुल्ज़िम के कपड़ों पे। इन कपड़ों को देखने के बाद इसमें शक नहीं रह जाता कि इस पेशावर मुजरिम ने सचमुच खून की होली खेली है। और मुझे अदालत को यह बताने की कोई जरूरत नहीं कि ऐसा खूनी किस सजा का हकदार होता है। That's all, Your Honor. ऐसा खूनी मौत की सजा का हकदार होता है, लेकिन जुर्म साबित होना चाहिए। मिलॉर्ड, हमारे देश का कानून और इंसाफ दोनों इस बुनियाद पर खड़े हैं कि कटहरे में खड़ा हुआ मुल्जिम उस वक्त तक मुजरिम नहीं माना जा सकता जब तक जुर्म साबित नहीं कर दिया जाता। मेरे काबिल दोस्त ने जो गवाह पेश किए उनमें से एक गवाह भी मौका वारदात पर मौजूद नहीं था। किसी ने खून से पहले के किस्से कहे तो किसी ने खून के बाद की दास्तां सुनाई। खून के मुकदमे में सबसे कीमती बयान उस गवाह का माना जाता है जिसने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा हो। जब तक ऐसा गवाह पेश नहीं किया जाता तब तक मुल्जिम उस सजा का हकदार नहीं हो सकता जो सजा मेरे दोस्त मुल्जिम के लिए मांग रहे हैं। मैं अपने फाजिल दोस्त की बात की तायद करता हूं। कत्ल के मुकदमे में चश्मदीद गवाह की बहुत बड़ी कीमत होती है। मुझे अफसोस है इससे पहले मैं ऐसा कोई गवाह पेश नहीं कर सका, लेकिन इस वक्त मैं एक ऐसा गवाह पेश कर सकता हूं। यह वो गवाह है जो खून के वक्त वहां मौजूद था और जिसने खून होते हुए अपनी आंखों से देखा है। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। क्या आप बता सकती हैं कि मुल्जिम से आपका क्या रिश्ता है? देवर भाभी का। क्या यह सच है कि आप अपने देवर को अपने बेटे से बढ़कर मानती थी? अब भी मानती हूं। फिर भी आप कह सकती हैं कि आपने खून होते हुए देखा और इसे करते हुए देखा? जी हाँ। मुझे और कोई सवाल नहीं पूछना। योर विटनेस। वकील साहब, आप मेरी भाभी से कुछ नहीं पूछेंगे। जिन होठों ने यह बयान दिया है उन होठों से निकली हुई आवाज को मैं हमेशा भगवान की आवाज समझता हूं और अब भी समझता हूं। मेरी भाभी ने जिंदगी में हमेशा सच कहा है, सच के सिवा और कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे यह खून करते हुए देखा है तो मैंने किया है यह खून। इसके बाद मैं अपनी सफाई में और कुछ नहीं कहना चाहता। सिर्फ इकबाल जुर्म करना चाहता हूं और मैं इकबाल जुर्म करता हूं। यह खून मैंने किया है।
मैंने किया है, मैंने किया है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कालिया। मैंने तुम्हें समझाया था कामयाबी के घोड़े पर सवार सोने की बनी हुई जिस सड़क पर तुम दौड़ रहे हो वो फांसी के तख्ते पे खत्म होती है। फांसी के जिस तख्ते से आप मुझे डरा रहे हैं जेलर साहब, वो मैंने खुद चुना है। मेरी मौत का फैसला तो जज ने सिर्फ लिखा है, लेकिन उस फैसले पे जिसने मोहर लगाई है मैं अभी उसे भगवान की तरह पूछता हूँ। मैंने तुम्हारी हर शर्त पूरी की है, तुमने जो कहा मैंने अदालत में कह दिया, अब तो मेरी बेटी वापस कर दो। अभी तो सिर्फ फांसी की सजा सुनाई गई है, जब तक कालिया फांसी के तख्त पर झूल नहीं जाता मैं तुम्हारी बेटी वापस नहीं कर सकता। ये क्या है? तुम्हारे कल्लू का कफन लाई हूं। वो तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली? उसने तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा दिया और तुमने उसे कहां से कहां तक पहुंचा दिया? उसने तुम्हें क्या नहीं दिया था जो उसके दुश्मनों ने तुम्हें दिया है? मैं पूछने आई हूं, मौत की मंडी में तुमने कल्लू की जान कितने में बेची है? बस करो शालिनी, बस करो, मैं पूछ के रहूंगी। सोने की भूख का वो जो कुआं तुम्हारे अंदर है वो कितना गहरा है जो सिर्फ कल्लू की मौत या उसकी लाश से भर सकता है? नहीं नहीं शालिनी, हो सके तो ये कफन मुझे ही पहना दो और मुझे जिंदा ही बिठा दो जलती हुई चिता पे। मैं इसी सजा की हकदार हूँ। मैं तो इस जहां से भी गई और उस जहां से भी गई, मेरा कल्लू काल कोठरी में पड़ा है और मेरी बेटी के गले पे अब तक शानी सेठ की छुरी धरी हुई है। क्या भाभी ने जो किया वो ठीक किया शालिनी? शानी सेठ ने जो कहानी शुरू की वो यहां खत्म ही होती, यहां से शुरू होती है। कहानी का पहला शब्द उसने लिखा है, आखिरी लफ्ज मैं लिखूंगा। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। मुलाकात खत्म हो सकती है, वक्त कभी खत्म नहीं हो सकता। बड़ी ऊंची छलांग लगाई है कालिया। रघुवीर सिंह की जेल से भागने की कोशिश कई कैदियों ने की, लेकिन जितनी दूर तुम पहुंच गए हो आज, इतनी दूर पहले कोई नहीं पहुंचा। आजादी हर कैदी का ख्वाब होती है, लेकिन अभी अभी तुम्हारे अंदर खून की हर बूंद और बार तुम्हारे शरीर का रोम चीखेगा और कहेगा, कालिया तुमने ये ख्वाब देखा तो खुद देखा।
इसे सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके ना आजादी की तरफ कदम बढ़ा सके। आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक जंजीरें, चढ़वा दीजिए जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवारें। कालिया हर दीवार फांद के दिखा देगा जेलर साहब, हर जंजीर तोड़कर दिखा देगा। समझे? इसे सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके ना आजादी की तरफ कदम बढ़ा सके। की रफ्तार मौत की रफ्तार से कम निकली जेलर साहब। कालिया जेल से भी आजाद हो गया और जिंदगी की कैद से भी आजाद हो गया। मैं कालिया को जिंदा कानून के हवाले करना चाहता था। उसने इस तरह मरकर मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है, लेकिन मुझे
तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। और मुझे तुमसे हमदर्दी है जेलर साहब। वक्त की बिसात पे किस्मत ने जो मोहरे बिछाए थे जेलर साहब, उनका रुख पलट गया है। अगर आपने एक कदम भी मेरा पीछा किया है तो इसके अंदर जितना लोहा है आपके अंदर कर दूंगा। मैं इस रिवॉल्वर से निकला हुआ सारा लोहा निकल जाऊंगा, लेकिन अपनी जगह से नहीं हटूंगा। तुम मेरी जेल से भागे हुए कैदी हो और मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करूं और उसी जगह वापस पहुंचा दूं जहां से कि तुम भाग कर आए हो। जिस तरह आप अपने फर्ज से मजबूर हैं जेलर साहब, उसी तरह मैं भी अपने फर्ज से मजबूर हूं। मोहरों का रुख एक बार फिर पलट गया कालिया। अब तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसके अंदर जितना लोहा है तुम्हारे अंदर गाड़ दूंगा। तू आतिश दोजक से डराता है जिन्हें, वो आग को पी जाते हैं पानी करके। चला दीजिए गोली। आप तो खून की एक लकीर का पीछा करते हुए यहां आए थे। मुझे आज अगर अपने खून की नहर में तैर के भी जाना पड़े तो भी जाके दिखा दूंगा, क्योंकि आप तो अपनी वर्दी और मेडल्स के लिए लड़ रहे हैं और मैं बचाने जा रहा हूं एक नन्ही सी जान को जो मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। नन्ही सी जान? हाँ, इनकी भाभी की बेटी जिसकी जान बचाने के लिए भाभी ने खून का झूठा इल्जाम अपने देवर पर धर दिया और देवर ने उसे कबूल कर लिया। अगर यह कहानी भी आपको झूठी लगती है तो आपको जो करना कर लीजिए, मैं जा रहा हूं। रुक जाओ कालिया। तुमने अगर किसी शेरनी का दूध पिया है तो मैंने भी किसी भेड़ का दूध नहीं पिया। उस नन्ही सी जान का जिक्र करके तुमने मेरे दिल का वो तार छेड़ दिया है जो कह रहा है रघुवीर सिंह, आज तुम वो जुआ खेल दो जो तुमने पहले कभी नहीं खेला। जहां तुम जा रहे हो कालिया, मैं वहां तुम्हारे साथ चलूंगा, ये समझ लो। पहले तुम्हारे दो हाथ थे, अब चार हाथ हैं। तुम्हारा बाप शानी कहाँ है बताओ, वरना गोली चल गई तो सारा अता पता पूछ कर वापस आ जाएगी। बताओ। शानी सेठ, और ले चलो मुझे मुन्नी के पास।
तुमने जितनी आतिशबाजी करनी थी कालिया कर ली। जहां तुम इस वक्त खड़े हो वहां मौत की बिसात बिछी हुई है। बिसात बिछाई है तो मर्द के बच्चे दम है तो सामने आओ। अब पहली चाल चलो अपनी। खेल तो बाद में शुरू होगा, पहले ये तो देख लो बाजी पे दाव क्या लगा है तुम्हारा। तुमने अकल की बात की कालिया जो वापस सफेद खाने पे आ गए, नहीं तो मुन्नी आटे की तरह पिस के रह गई होती। अब एक नजर उधर भी देख लो। खबरदार कालिया, कदम आगे मत बढ़ाना। इस पूरी बिसात पर सिर्फ वो सफेद खाना जिंदगी का है, बाकी सारे खाने मौत के हैं। भूल कर भी अगर तुम्हारा पांव उस लाल खाने में पड़ गया तुम्हारी मुन्नी नहीं बचेगी, और अगर इस हरे खाने में पड़ गया तुम्हारी भाभी नहीं बचेगी। वो सिर्फ एक शर्त पर जिंदा रहेंगे, अगर तुम उस सफेद खाने में रहो। इस खेल का एक और कायदा भी सुन लो, इसमें सारी चालें मैं चलूंगा और तुम एक चाल भी नहीं चल सकोगे। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह हाथ किस लोहे का बना है जिसे तुम काटना चाहते थे। मगर तुमने अगर हाथ उठाने की कोशिश की तो यह तनी हुई बंदूक है तुम में इतना छेद कर देंगी कि तुम गिन भी नहीं सकोगे। ये पहला सैंपल उस चोरी के लिए है जो तुमने मेरे घर में की, इसलिए जरा नरम था। ये दूसरा सैंपल उस आग के लिए है जो तुमने मेरे कारखाने में लगाई, इसलिए जरा सख्त था। और ये उस अनमोल हीरे के लिए था जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार। चाचू, चाचू, बचाओ। और ये सुनहरी घूसे उस सोने के लिए थे जो डॉक्स पे उतरा तो था मेरे लिए लेकिन पहुंच गया तुम्हारे को। अभी से लड़खड़ाने लगे बरखुरदार? अभी तो मुझे बहुत से हिसाब चुकता करने हैं। तुम्हारा हिसाब अगर मेरी मौत से चुकता हो तो चुका लो शानी सेठ, मगर इन मासूमों को छोड़ दो। इन मासूमों को छोड़ दूं और खुद मैं फांसी के तख्ते पे चढ़ जाऊं? नहीं कालिया, नहीं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। मौत के बाजार में अपनी जान की कीमत हर दूसरे की जान से ज्यादा होती है। तुम्हारे जैसे कमीने को प्यारी होती होगी अपनी जान, मेरे पास अगर हजार जाने भी होती ना तो मैं उसे भाभी के पांव और मुन्नी के सर पे वार देता। मैं तुम्हारे प्यार की कदर करता हूं, इसीलिए तो तुम्हारी जान भी ले रहा हूं मैं। आहिस्ता आहिस्ता।
शाबाश कालिया, मुन्नी को तो तुमने बचा लिया, अब अपनी भाभी की जिंदगी का डूबता हुआ सूरज तुम अपनी आंखों से देखोगे। अपने आदमियों से कहो कि बंदूकें फेंक दें। कल्लू, बस मेरे लिए अब एक ही काम बाकी रह गया है कि तुम्हें हथकड़ी पहनाऊं और वहां पहुंचा दूं जहां तुम अपने जुर्म के लिए इस बेगुनाह को फांसी लगवाने वाले थे। रिवॉल्वर फेंक दीजिए जेलर साहब, नहीं तो यहां पर एक जान चली जाएगी। शाबाश खड़क सिंह, तुमने इस कहानी को फिर एक नया मोड़ दे दिया। बांध दो इन लोगों को। आपको याद है जेलर साहब, आज से 20 बरस पहले आपका एक कैदी आपकी बेटी को आप ही के घर से उठा के ले गया था। जरा गौर से देखिए मेरी तरफ जेलर साहब, वो कैदी आपके सामने खड़ा है। जसवंत। हाँ जेलर साहब, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपकी प्यारी नन्ही मुन्नी बेटी कहां है? कहाँ है मेरी बेटी? यही। पिताजी। रानी। पिताजी। रानी बेटिया। मेरी बेटिया। रानी। पिताजी। ओह गॉड, आज मैं कितना खुश हूँ। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। ऐसी एक मुलाकात आज से 20 बरस पहले एक कैदी और उसकी बीवी के बीच हो रही थी। तब आपका हंटर चला था और आपकी आवाज आई थी, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। मगर आपका हंटर चमड़े का नहीं था, आग का था। इतने बरस बीत गए लेकिन आज तक मेरी पीठ पर दर्द के अंगारे दहकते हैं। आज वो अंगारे ठंडे हो जाएंगे जब मेरा हंटर आपकी मोटी खाल नहीं उधड़ेगा, आपकी बेटी की फूल जैसी नाजुक खाल को ढूंढ के रख देगा। चिल्लाते कहीं का तुम्हें जितनी चालें चलनी थी चल चुके शानी सेठ, अब मेरी बारी है। जुर्म की शतरंज तुम्हीं ने मुझे सिखाई है शानी सेठ। मैं तो एक मामूली प्यादा था जो सिर्फ एक घर चलता था और मार खा जाता था। तुम्हीं ने मुझे वजीर बनाया है जिसकी पहुंच चारों तरफ होती है, मार भी जिसकी चारों तरफ होती है, जैसे ये मार। ये पहली मार उन 500 रुपयों के लिए है जो तुमने एक तवायफ को दे दिए लेकिन मुझे नहीं दिए।
ये मेरे भाई के मौत के लिए, जिसने मुझे सिखाया कि इस दुनिया में इंसानियत से बढ़कर और कोई चीज नहीं। और ये उस इंसान की मौत के लिए जो कभी मैं था, कल्लू, एक सीधा साधा आदमी जिसे तुमने अपने जैसा बना दिया, एक शैतान। तुम्हारी सबसे आसान मौत तो यही होगी कि मैं तुम्हें एक ही झटके में खत्म कर दूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जान लूंगा जरूर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं शाहनी, और अब तुम्हें वहां लेके चलता हूं जहां तुम्हारी असली जगह है। रास्ते में हर कदम पर दुआ मांगना तो यही दुआ मांगना, तुम जेल में जाओ मगर रघुवीर सिंह की जेल में ना जाओ। आईजीपी साहब, आप मुझे लेके जाएंगे बाहर। चलिए चलिए। बेटी, आज मैं अपना कैदी तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, लेकिन इसे बहुत जकड़ के पकड़ के रखना, कैद से भाग जाने की इसकी पुरानी आदत है। एक बात आपसे पूछनी थी नए जेलर साहब, मुख्तार सिंह का नाम सुना है आपने? नहीं। अरे फिर क्या सुना आपने? मुख्तार सिंह वो आदमी है जिसके नाम से सारी दुनिया।